हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जी हां दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, इंडिया में पबजी वापस आ रहा है गाइस। तो यह पबजी प्लेयर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है गाइस, तो इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि पबजी खेलने वाले बहुत ज्यादा बन रहे हैं गाइस। और मैं इस वीडियो में फुल डिटेल में बताऊंगा गाइस कि कब तक पबजी आएगा और कैसे पबजी वापस आ रहा है इंडिया में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत पहले बहुत सारे न्यूज आ रहे थे पबजी के बारे में कि पबजी 31 अक्टूबर तक इंडिया में पूरा तरह से बंद हो जाएगा गाइस, लेकिन कंफर्म न्यूज नहीं था गाइस, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। लेकिन गाइस ये पूरा रियल कंफर्म न्यूज है गाइस कि पबजी इंडिया में वापस आ रहा है गाइस। तो चलिए बताता हूँ कैसे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि इंडिया में पबजी बैन क्यों हुआ था। तो इंडिया में पबजी बैन करने का सबसे बड़ा रीजन था गाइस, क्योंकि इंडिया यूजर का मतलब जितना भी डाटा और इन्फॉर्मेशन था गाइस वो अन्य देश में जा रहा था, तो इसीलिए गाइस इंडिया में पबजी को बैन कर दिया गया। लेकिन गाइस अब पबजी वालों ने इंडिया कंपनी पेटीएम और एयरटेल के साथ एडवांस लेवल पे बात चल रहा है कि इंडिया में पबजी वापस लाने के लिए। अब इसीलिए गाइस इंडिया के जितने भी पबजी प्लेयर यूजर हैं गाइस, उनका डाटा और इन्फॉर्मेशन इंडिया में ही स्टोरेज होगा। पबजी वाले इंडियन गवर्नमेंट के सारे रूल को फॉलो करना है, तो गाइस अब बिल्कुल सेफ हो जाएगा पबजी खेलना। गाइस चलिए बताता हूँ कि पबजी इंडिया में कब तक वापस आएगा। तो गाइस यहाँ पे पबजी कंपनी वाले गाइस अराउंड दिवाली से पहले सोच रहे हैं इंडिया में पबजी को अनबैन कर दिया जाए। तो गाइस यह बहुत बड़ी न्यूज है कि इंडिया में मतलब दिवाली से पहले पबजी आपको 100% तो नहीं लेकिन 90% गारंटी आपको अनबैन मिल जाएगा, हो सकता है गाइस। लेकिन अगर गाइस दिवाली से पहले अगर अराउंड नहीं होता है अनबैन, तो आपको यह 2020 के अंत तक आपको जरूर से जरूर इंडिया में पबजी अनबैन देखने को मिल जाएगा। गाइज इसी बात पे फिर वीडियो को कर दीजिए लाइक और नया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और गाइज आपको पबजी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की न्यूज सबसे पहले चाहिए तो गाइज मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लीजिए गाइज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइज फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत और जय हिंद दोस्तों।